Hallelujah. 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 यीशु का जीवन में वो पिता से बहुत अनुसरण करते। यीशु इस दुनिया में आया किसके लिए आया? हम सबों को रक्षा देने के लिए इस दुनिया में यीशु ने आया। ऐसा तो नहीं आया, लेकिन पिता ने उसको इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। योहन का सुसमाचार 3:16 में पढ़ते, पिता परमेश्वर ने इस दुनिया को इतना प्यार किया, उसने उसके एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। किसके लिए? हम सबको रक्षा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये पिता ने, ये बहुत लोग इधर, कुछ लोग हिंदू लोग भी है, लेकिन ये ईश्वर सबों का एक ही ईश्वर है। ईश्वर सिर्फ एक, हम सब लोगों का सृष्टिकर्ता ईश्वर सिर्फ एक है। हालेलुया। वो ईश्वर हम सबको बहुत प्यार करते, उसको हम सबको मालूम है, हमारा नाम भी उसको मालूम है, हम जो जो कुछ करता है उसको मालूम है। जब हम बुरी रास्ता में चलते उसको दुख होते, इसलिए हम लोगों को वापस आने के लिए वो देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पहले पिता आदम और ईव, ईवा आदम पाप किया। कैसे पाप किया? वो पिता का अनुसरण नहीं किया। पिता बोला जो फल ये ईडन गार्ड का बगीचा के बीच में है उससे कुछ फल नहीं खा, वो बोला। लेकिन शैतान ने प्रलोभन दिया, उसमें गिर गया, वो फल खाया। वो फल खाने में उन लोगों को पाप हो गया, वो पिता से दूर हो गया। जब हम पाप करते हम क्या सोचते? हम पिता से दूर है करके सोचते। हम क्या सोचते? हम नंगा है, हम नंगा है। जब पाप करते शैतान बोलते तुम नंगा है, तुम अच्छा नहीं है, बुरा आदमी है बोलते। वो शैतान का काम क्या है? गप करना और खुजली और चुगली, चुगली है ना, चुगली करना। ओके, हालेलुया, ये थोड़ा गलत हो गया। चुगली, चुगली करना शैतान का काम है। वो हम सबके बारे में तुम अच्छा नहीं बोलते, लेकिन ईश्वर बोलते तुम अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम पाप करते शैतान बोलते तुम बुरा है। इसलिए आदम और ईव वो दूर गया, पिता से दूर गया। वो पाप करने में पिता से दूर होते, उन लोग क्या सोचते? पिता हमको अभी प्यार नहीं करते, हम पाप किया इसलिए वो हमको मारेगा, हम नंगा है करके सोचा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे पाप किया? जो वो लोग अनुसरण तो नहीं किया। ऐसा पाप हमारे जीवन में भी आते, ईश्वर से हम दूर होते जब हम अनुसरण नहीं करते पिता का। लेकिन देखो अभी पिता हमको जितना प्यार करते उसके एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया, किसके लिए? हमारे लिए, ठीक है। क्या करने के लिए? रक्षा करने के लिए। हालेलुया। कैसे रक्षा करने के लिए? यीशु हमें कैसे रक्षा किया और कैसे रक्षा दिया? ओके, हालेलुया। कैसे पहले पाप आया? वो अनुसरण नहीं किया था। अभी रक्षा कैसे आते? अनुसरण से आते। हालेलुया, कैसे आते?
अनुसरण करने से, जो पिता बोलते वही अनुसरण करते, वही करते। इसलिए आज का सुसमाचार में हम पढ़ा, मेरे को कुछ भी दूसरा कुछ भी नहीं करना, वो मैं जो कुछ करते हैं सब कुछ मेरे पिता जो बोलते वही करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का जीवन ऐसा था, यीशु जो करते वही पिता बोलते, पिता का अनुसरण करना मेरा कर्तव्य है, दूसरे कोई इच्छा नहीं। हम भी पाप में गिर जाते जब हम उसका इच्छा पूरा नहीं करते, पिता का इच्छा पूरा नहीं करते, वो शैतान का इच्छा पूरा करते, जब हमारे जीवन में पाप होते। अभी क्या करना, पिता का अनुसरण करना, जैसे यीशु अनुसरण किया उसके अनुसरण से हमको बचाया, हम सबको रक्षा दिया, सबसे पहले अनुसरण से। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों का पत्र 2 में हम पढ़ते, 2:5 से हम पढ़ते, अगर वो ईश्वर के समान था, वो सब कुछ छोड़ के हम जैसे एक मनुष्य बन गया, मनुष्य बन गया, मनुष्य से भी फिर छोटा हो गया, मरण तक, क्रूस मरण तक वो पिता का अनुसरण किया, मरण तक, क्रूस मरण तक पिता का अनुसरण किया। हालेलुया। हमारा जीवन पे भी शैतान का काम आया, हमारे परिवार में भी शैतान का काम आया। कैसे, जब हम शैतान को सुनते, ईश्वर को नहीं सुनते, पिता को नहीं सुनते, ऐसा पाप आया, वो हम पिता से दूर होते। जब आदम और ईव पिता से दूर गया, उन लोगों को बहुत दुख हो गया, डर लगते थे, बहुत डर लगते थे। शैतान बोलते तुम लोग अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। वही है शैतान का काम, चुगली करना, गप करना। शैतान का मतलब गप करना, गॉसिप इज सैटन, टेलिंग, स्पीकिंग इल अगेंस्ट अस, हमको जब बुरा लगते। इसलिए शैतान के ऊपर विजय करने के लिए क्या रास्ता दिया है, अनुसरण करने का रास्ता दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग अनुसरण करते ईश्वर के साथ रहते, यीशु भी ऐसा किया, इतना बड़ा ईश्वर सब कुछ छोड़ के, वो ईश्वर छोड़ के मनुष्य बन गया, हम जैसे एक व्यक्ति बन गया, हम एक जैसे एक व्यक्ति मनुष्य व्यक्ति बन गया, फिर भी उसका पिता का अनुसरण किया। कैसे पिता का अनुसरण किया, देखो मरकुस का सुसमाचार 14:36 में हम पढ़ते, वो पिता से बोलते, जब उसका प्याला पीने का समय हो गया, दुख भोग का समय हो गया, क्रूस उठाने के समय हो गया, परेशानी के समय हो गया, उसने पिता को क्या बोलते, कुछ भी समय देगा है क्या, अभी 3 साल, सिर्फ 3 साल हो गया मेरा सेवा इस दुनिया में। उसके पिता को पूछते, आबा पिता आपके लिए सब कुछ संभव है, आबा पिता आपके लिए सब कुछ संभव है, अब अगर आप चाहते हैं तो ये प्याला मुझसे निकाल सकते, अगर आप चाहते हो तो इस प्याला मुझसे निकाल सकते, लेकिन मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी इच्छा नहीं, वही है हमारा प्रार्थना, हमारा जीवन जब ऐसा होते, यीशु जैसा होते, मेरी इच्छा नहीं तुम्हारा इच्छा जैसे स्वर्ग में है, इस पृथ्वी पर भी मेरे परिवार में भी होना, मेरे जीवन में होना, ऐसा अनुसरण करेगा तो हमारा जीवन बदली होते, शैतान को जगह नहीं मिलती। हालेलुया। इसलिए ये शिविर के पहले दिन में हम क्या देखते, अनुसरण करने के लिए, वो इच्छा पूरे करने के लिए, वो पिता का इच्छा पूरे करने के लिए हम कोशिश करना, वो जो जो मार्ग में हम छोड़ के गया, अभी हमको मालूम है कैसे हम छोड़ के गया, वापस आने के बुलाते, ठीक हो जाएगा,
हमारे मन, हमारे तन, हमारे दिल सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर ऐसे हम अच्छी तरह वापस जाएगा अनुसरण करने के लिए। अब जब कोशिश करेगा वो वादा करेगा, शैतान आपके अंदर से दूर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग अभी वादा करो मैं अनुसरण करेगा, जब शैतान निकल जाएगा, शैतान को हमारे अंदर कैसे जगह मिला जैसे हम उसका अनुसरण नहीं किया। हालेलुया। इसलिए पहले दिन में हमको क्या चाहिए? पिता को प्यार करना, पिता को प्यार करना। हालेलुया, हालेलुया। योहन का पहले पत्र 2:15 से हम पढ़ते, योहन का पहले पत्र 15 से हम पढ़ते, अध्याय 2:15 से, इस संसार और संसार के वस्तुओं को प्यार नहीं करो, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इस संसार और उसके वस्तुओं को प्यार नहीं करो, उन लोगों में पिता का प्यार नहीं है। क्यों हम इस संसार को प्यार करते, वो संसार के पीछे जाते, वो संसार के पीछे गए, हमको हमारे अंदर पिता का प्यार तो नहीं है। पिता का प्यार का नुकसान हो गया, इसलिए हम इस दुनिया के पीछे पीछे घर जाके हम शैतान के पीछे हो गया। इसलिए हम सब लोगों को वापस आने का समय है इस शिविर, ये 3 दिन का शिविर में हम पिता के संपूर्ण हृदय से वापस आना चाहिए। जो लोग संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे मुझे मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे मुझे मिल जाएगा। इसलिए आज से हम संपूर्ण हृदय से उसको ढूंढना का दिवस है। दुनिया और उसके सब चीजों छोड़ के पिता के प्यार के पीछे हम जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे पिता का प्यार हमको मिलते हैं? कैसे पिता का प्यार कैसे हमको मिलते और कैसे पिता का प्यार मिलते, कैसे? बहुत मार्ग होगा, लेकिन एक मार्ग बोलो, पिता का प्यार कैसे मिलते, कुछ तो बोलो। अनुसरण करने से, ओके। हालेलुया, हालेलुया। या अनुसरण करने से प्यार मिलते, और सब इसके सबसे ऊपर क्या है? प्रार्थना करना। क्या? प्रार्थना। हालेलुया। कैसे पिता का प्यार मिलते? प्रार्थना करने से। यीशु पिता से प्रार्थना करते थे, रात को बैठ के पिता से प्रार्थना करते थे, आबा पिता का अनुभव मिलते थे उसका, आबा पिता का अनुभव मिलते, प्रार्थना से आबा पिता का अनुभव मिलते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम शायद हम प्रार्थना नहीं करते थे, हमको पिता के बारे में नहीं मालूम था, वो प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आज से हम प्रार्थना करते। ब्रदर जी हमको सिखाएगा व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में, ब्रदर जी इधर आया है, वो हमें सिखाएगा कैसा प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, प्रार्थना बहुत तरीके से हमको कर सकते, बहुत तरीके से प्रार्थना कर सकते, किताब पढ़ के प्रार्थना कर सकते, लेकिन सबसे किताब पढ़ के प्रार्थना करते, लेकिन ये दिल दिल से बात करते, दिल दिल से बात करते, वही प्रार्थना, हमारा दिल ईश्वर के दिल से बात करते। अगर हम प्रार्थना मुंह से करते, दिल से नहीं, कुछ नहीं होते, फायदा तो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमको रिश्ता होना चाहिए पिता से,
पिता से रिश्ता, ऐसा है यीशु का प्रार्थना, पिता से पिता का अनुभव, आबा पिता का अनुभव मिलते दे। इसलिए हम शुरू से आया आबा आबा आया हूमी हम आया आपका अनुभव मिलने के लिए आया। जब हमारा दिल में उसका अनुभव होते सब कुछ ठीक होते, कुछ ना कुछ हो इस दुनिया में बहुत तकलीफ होते, कष्ट होते, सहन होते, लेकिन हमको ताकत मिलते, शक्ति मिलते, उसको आगे हमको शक्ति मिलते, पिता का प्यार, पिता का अनुभव हमको शक्ति देते। देखो यीशु, यीशु का रूपांतरीकरण, ताबोर गिरी में यीशु का रूपांतरीकरण होने के बाद यीशु नीचे जाते, उधर तो नहीं बैठते। पेत्रोस, याकूब, योहन बोलते हमको इधर तीन चौपड़ी छपड़ी बना के इधर रह सकते, ये अच्छी तरह है ना, अच्छी जगह है, अनुभव मिला जगह, इधर रह सके। लेकिन यीशु बोला नहीं, हमको नीचे जाना है, आबा का अनुभव मिलके नीचे जाके क्या होते, दुख भोग होते, परेशानी होते, कष्ट होते, लेकिन उसमें आबा पिता का अनुभव शक्ति देते। हमारे जीवन में जब आबा पिता का अनुभव है, कुछ ना कुछ हो हमको शक्ति है, मेरे ईश्वर मेरे साथ रहते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोमियो का पत्र 8:31, अगर ईश्वर मेरे साथ है कौन मेरे विरुद्ध होगा। अगर ईश्वर मेरे साथ है, बोलिए मेरे पीछे बोलिए, अगर ईश्वर मेरे साथ होगे कौन मेरा विरुद्ध होगा। हाँ, ईश्वर हमारे साथ रखना। इसलिए मेरे जीवन में बहुत चमत्कार देखा, चमत्कार, पिता का प्यार। एक बार मैं बहुत दुखी हो गया था, बहुत दुख, मेरा कुछ हृदय में टूटा हुआ था, टूटा हुआ, बहुत दुख में। ऐसा मैं सोचा अभी प्रार्थना करने के लिए भी शक्ति नहीं है, क्या करेगा, थोड़ा चर्च में जाके, ये आप लोगों को बुरा नहीं समझना, लेकिन मैं क्या सोचा, चर्च में जाके थोड़ा आराम करेगा, चर्च में जाके उससे उधर से मुझे थोड़ा आश्वास मिलेगा करके सोचा। हालेलुया हालेलुया। चर्च में जाके उधर बैठा है आराम करने के लिए, थोड़ा सो जाएगा तो मुझे अच्छा लगते, वो मेरा दुख, वो जो कुछ मिला दूसरे कुछ किसी लोगों से, मुझे कुछ गाँव मिला अंधो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन क्या करते है? उधर बैठते, लेकिन ऊपर थोड़ा लकड़ी का रूफ है, लकड़ी का रूफ में, रूफ में चूहे है, चूहे चूहे चलते रहते हैं, बहुत आवाज करते हैं चूहे, बहुत तकलीफ देते चूहे। हालेलुया, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। मैं अभी ईश्वर के पास आया, थोड़ा आश्वास मिलने के लिए, आराम मिलने के लिए आया, लेकिन ये चूहे मुझे नहीं छोड़ देते। मैं ईश्वर को बोला, मैं आपको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं इधर आया आश्वास मिलने के लिए, ये चूहे भी मुझे छोड़ नहीं देते। हालेलुया हालेलुया। अभी मैं ईश्वर को बोला, थॉमस जैसे बोला, ये थॉमस पढ़, थॉमस जैसे मैं बोला, थॉमस क्या बोला, अगर मैं तुम्हारा हाथ में घाव देखेगा, स्पर्श करेगा, मैं नहीं विश्वास करेगा। मैं भी बोला, अगर ये चूहे नहीं रुकेगा, मैं आपको रिश्ता छोड़ देता हूँ। छोटे बच्चों में ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी को पापा को, अभी वो मुझे खाना कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ कुछ दिन ऐसा समय में पापा मम्मी से थोड़ा गुस्सा करके और ऐसा ऐसा बोल के, संबंध नहीं करके बोल के बैठते। ऐसा मैं ईश्वर को बोला, ये चूहे मुझे तकलीफ देते,
उसके बाद में मैं बोला ये चूहे नहीं अभी रुकना, मैं बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर चूहे अभी रुको, मुझे परेशान नहीं देना। उसी समय वो चूहे का आवाज बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर मेरा प्रार्थना उसी वक्त सुना, मुझे खुश हो गया। ईश्वर मेरा प्रार्थना सुनते, हालेलुया, हालेलुया। मुझे उस समय से सो जाने का इच्छा नहीं है, मैं प्यार करता हूँ ईश्वर को, प्यार करता हूँ, दिल दिल से बात करते। मेरा हृदय में बहुत कुछ हो गया, आनंद हो गया, वो ईश्वर का प्यार मेरे दिल में ऐसा चलते रहते। उस समय से मैं सोने की नई कोशिश किया, ऐसा बहुत घंटे अदर बैठा ईश्वर को प्यार, वही है ईश्वर का अनुभव। हम ईश्वर का अनुभव हमको मिल जाएगा, अब अबिदा हमको प्यार करते। इसलिए इस शिविर में की पहले दिन से भी ईश्वर बोलते तुम बहुत लोगों को चंगाई में देगा, अभी भविष्य चंगाई शुरू किया। इसलिए बहुत विश्वास से ये हमारा सारे दुख सारे परेशानियों हमको समर्पण करके इस मिसा में आगे समर्पण कर सकते। हम सब आनंद